हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसक्यूएल सर्वर में हाउ टू मर्ज टू कॉलम्स इनटू वन कॉलम्स। जैसे टू कॉलम हो गया, डीनेम हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को मर्ज करके एक कॉलम में इसका वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यही क्वेश्चन है, हाउ टू कॉनकैट टू कॉलम्स इनटू वन विद एग्जिस्टिंग कॉलम्स नेम इन एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पे चलिए इसका क्यूरी लिखते हैं। सबसे पहले मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट, तो हम सबसे पहले डीनेम और लॉक कॉलम है उसको हम मर्ज करने जा रहे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे डीनेम दे दिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो प्लस यहाँ पे देते हैं, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ प्लस, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस, उसके बाद लॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे वैसा करते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम दे देते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं स्कॉट डॉट डीपीडी टेबल, ठीक है। यहाँ पे डीपीडी टेबल हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉलम यहाँ पे कंकैटिनेट हो गया वैल्यू, और ये एक कॉलम में आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखिए नो कॉलम्स नेम, तो यहाँ पे अगर कॉलम्स का नाम देना है तो यहाँ पे एड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। तो अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे सब वैल्यू को हमको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे स्टार कर दीजिए, ठीक है। और सभी वैल्यू को हमको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार कर देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले नेम ये, उसके बाद यहाँ पे डीपीटी नंबर, और ये दोनों कंकैटिनेट हो गया। तो यहाँ पे आप दो से मतलब दो कॉलम, ठीक है, उससे ज्यादा कॉलम को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डीपीटी नंबर, डीपीटी नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इरर तो अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डीपीटी नंबर क्या है, जो इंटीजर टाइप का है, ये दोनों वैर के स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे आप प्लस यूज करके आप इसको कंकैटिनेट नहीं कर सकते इंटीजर को वैर कर से, ठीक है। यहाँ पे इरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप इतना मेरे कहने का मतलब यहाँ की आप कंकैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए आप एक रेडीमेड फंक्शन आपको दिया गया जिसका नाम है यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसका क्यूरी सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट फंक्शन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम को ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डीनेम को कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैनकैटिनेट करने के लिए आपके आपको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉक कॉलम को कैनकैटिनेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अलियास दे दीजिए, यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, टेबल का नाम एस्कॉर्ट, टेबल का नाम है यहाँ पे एस्कॉर्ट, ठीक है। उसके बाद डॉट, तो ईएमपी टेबल। तो अगर हम इस क्यूरी को, सॉरी ईएमपी नहीं, डीपीटी टेबल, अगर हम इस क्यूरी को एक्सिक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे डीनेम और लॉक यहाँ पे कंबाइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे नेम एलियास हो गया, यहाँ पे इस तरह का। अगर यहाँ पे के बीच में, किसी के बीच में अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे सिंगल कोट, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पेस नाम के बीच में आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में अगर स्ट्रिंग और इंटीजर से कोई एरर था, लेकिन इसमें हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम डीपीटी नंबर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, ये तीनों को ये कमांड कर देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सब चीज कमांड हो गया, सारा कॉलम का पैनल, ठीक है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा। और यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे डबल पाइपलाइन दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल पाइपलाइन दे रहे, तो यहाँ पे देखिए एरर मैसेज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे चलिए सिंगल पाइपलाइन देते हैं, यहाँ पे सिंगल पाइपलाइन, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम इसको एक्सिक्यूट करें तो यहाँ पे डेटा टाइप वर्कर, डेटा टाइप से वर्कर वर्कर इनकम्पेटिबल, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं इसको प्लस देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं बस। चलिए इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे और दो यहाँ पे कॉलम से इसको एक कॉलम से आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, तो ये यहाँ पे आप इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कॉनकैट, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा कि कैसे मर्ज किया जाता है कॉलम को, दो से या दो से ज्यादा कॉलम को कैसे मर्ज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।